आए हैं, वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह बनाए, वो महल कितना आलीशान होगा जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ये सांस कब रुक जाए कहना मुश्किल है। क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, शोहर बीवी के लिए कुछ करे या ना करे, भाई भाई करे करे करे, दुनिया में कुछ ऐसा करके चले जाओ कि मरने के बाद अफसोस ना हो। हशर के मैदान में अल्लाह उस घर की चाबी आपके हाथों में दे दे के, मेरा बंदा ले, दुनिया में तुमने महल बनाया था, दुनिया में मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। इसलिए है कोई खुशनसीब नौजवान, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ओनर जन ने आमी दस्त दुआ को कत दुआ करबो बोलुन तो, अरे कत दुआ करबो बोलुन ना, दस्त दुआ करबो कत दुआ करबो बोलुन, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम चाहेंगे कम से कम आपके ऊपर बोझ ना पड़े मेरे भाई, ज्यादा बोझ ना पड़े, बस मुख्तसर सी रकम से क्या कहते हैं हम शुरुआत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई पहला नौजवान, कोई सखी माँ का चहिता बेटा लाडला बेटा 10,000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, देखिए नारे नारे मोहम्मद खालिद, मोहम्मद खालिद सिमतपुर, बिल्कुल सिमतपुर बोल, हाँ भाई नाम लिखे मोहम्मद खालिद अनवर, माशाल्लाह 10,000 रुपए ये नौजवान पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया। देखिए मेरा सवाल, 10,000 रुपया है, आप 20 भी दे सकते हैं, 25-50 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं, अल्लाह ने आपको जितनी दौलत दिया है, जितना इस्तेआत दिया है, जितनी ताकत दी है, अपने हैसियत